नमस्कार। अक्षतृतीय निमित्त सर्व हिंदू भारतीय बांधवांना आणि भगिनींना तसेच सर्व हितचिंतकांना श्री परशुराम जन्मोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। परमप्रतापी शिवभक्त, पितृभक्त आणि मातृभक्त असलेल्या चिरंजीव भगवान श्री परशुरामांना वंदन करून आज मी जगन्नाथ व्यंकटेश मनोळीकर सर्व भक्तांकरिता श्री विष्णूंचा सहावा अवतार असणारे श्री परशुराम भगवान यांची एक छोटीशी अर्थपूर्ण सोपी मराठी आरती आपणास सादर करीत आहे। आरती लगेचच पाठ होण्यासारखी आहे। आरती आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा। जय देव जय देव जय परशुरामा, आरती ओ वाळो तुझ भार्गव रामा। जय देव जय देव कोकण निवासी असी तू देवा, समस्त देवाधिकासी तुझा वाटे हेवा। चिरंजीव हो नि सकासी ठावा, जय देव जय देव जय परशुरामा। आरती ओ वाळू तुझ भार्गव रामा। जय देव जय देव अश्वमेध करुणी 21 वेळा, जिंकिली पृथ्वी वेळो वेळा। काय वर्णू मी तुझा महिमा गाद देवा, हरविलेस तू कळिकाळा। जय देव जय देव जय परशुरामा, आरती ओ वाळू तुझ भार्गव रामा। जय देव जय देव जमदग्निपुत्रा तुझी रेणुका माता, चरणी ठेवी तो जगन्नाथ माथा। जय देव जय देव जय परशुरामा, आरती ओ वाळी तुझ भार्गव रामा। जय देव जय देव। इस वीडियो में हम लोग भगवान परशुराम के गायत्री मंत्र को जानेंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतार में छठे अवतार भगवान परशुराम है। भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उन्हें मृत्यु लोक के कल्याण के लिए परशु अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वे परशुराम कहलाए। भगवान परशुराम की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान परशुराम पूर्ण करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन, जिस दिन परशुराम जयंती भी होता है, इस दिन सर्व कामना सिद्धि के लिए भगवान परशुराम के गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्।